आगे के लेक्चर को कवर करना शुरू करेंगे। अगर आपको याद होगा तो पिछले क्लास में हम थर्मोडायनेमिक्स के इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट को कवर कर चुके थे, ठीक है। और इंटरनल एनर्जी के कंसेप्ट में हम लोग बहुत दूर तक पहुंच गए थे, और उसमें हम लोग ये भी सीख लिए थे कि किसी भी पार्टिकल्स के इंटरनल एनर्जी जब चेंज होती है तो किस तरह से बाकी सिस्टम डिपेंड करते हैं, उसके पाथ फंक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, उसके वेरिएबल कैसे काम करते हैं, इन सब चीजों को हम लोग बड़े अच्छे तरीके से कवर किए थे, ठीक है। फिर हमने कहा था कि पाथ फंक्शन चेंज होने के साथ साथ में उसके जो वेरिएबल्स होते हैं उनका भी अपना एक अलग तरह से काम होता है, ठीक है। हमने कहा था कि कैसे ये एक स्टेट फंक्शन की तरह काम करता है, ये किस तरह से पाथ पे डिपेंडेंट नहीं होता है, इन सारे कंसेप्ट को जो थे हम लोग कवर जो थे कर चुके थे, ठीक है। अब आज हम लोग इसके आगे के रिलेशनशिप में सीखेंगे, और आज हम लोग सीखेंगे कि जो अगर कांस्टेंट प्रेशर हो या कांस्टेंट वॉल्यूम हो तो उसके वेरिएंट कैसे कैसे काम करेंगे, ठीक है। आज हम लोग एक थर्मोडायनेमिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग सीखेंगे जहां पर कांस्टेंट प्रेशर या कांस्टेंट वॉल्यूम के साथ एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है जिसको हम लोग कहते हैं सीपी और सीवी, और सीपी सीवी में क्या रिलेशनशिप है, कैसे उनके जैसे सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर जो हम लोग पढ़ते हैं ये आता कैसे है। हम लोग फर्स्ट जब हम लोग 11th 12th में रहते हैं तो 11th 12th हम लोग को सिर्फ इतना बता दिया था कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, इसको आप रटे जाओ, ठीक है। सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर होता है, इसको आप रट जाओ। लेकिन ग्रेजुएशन में क्या होता है कि हम लोग को यह सीखना होता है कि सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर अगर होता भी है तो कैसे होता है, ठीक है। इन सब चीजों को हम लोग को आज यहां पर पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग एक एक करके इसके बारे में शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, हेडिंग डालिए वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी, वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। गुड इवनिंग त्रिपाठी जी, गुड इवनिंग। वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो अब हम लोग टेम्परेचर एनर्जी के साथ इसकी टेम्परेचर के साथ इसकी क्या रिलेशनशिप होती है अब हम समझते हैं। देखो अगर इंटरनल एनर्जी हमारे पास है, अगर मान लीजिए कि जो भी इंटरनल एनर्जी है अगर वो टेम्परेचर के साथ, अगर उसके हम टेम्परेचर और वॉल्यूम के साथ अगर रिलेशनशिप देखें तो द इंटरनल एनर्जी तो यहां पे जो इंटरनल एनर्जी है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, मतलब E इज इक्वल टू क्या है आपका एफ टी इंटू वी। अब देखो जो भी हमारे पास इक्वेशन मिला, अब चेंज इन एनर्जी जो होगा वो क्या मिलेगा, चेंज इन एनर्जी डी ई। अब जब हम निकालते हैं तो यहां से जब डिफरेंशिएट करेंगे तो DE सारे को टेम्परेचर के, एक बार टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वॉल्यूम को कांस्टेंट करेंगे, वॉल्यूम को रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो टेम्परेचर को क्या करेंगे, कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। तो यहां से DE इज इक्वल टू जब फंक्शन डिफरेंशिएशन होता है तो डेल ई अपॉन में डेल टी, डिफरेंशिएशन ऑफ विद रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी इनटू प्लस डीटी, और यहां से डेल ई अपॉन में डेल वी विथ रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट टेम्परेचर वी, यहां से इक्वेशन मिलता है। आपको बता है कि डीई अपॉन डीटी, ध्यान रखेंगे टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, डिफरेंशिएशन विथ डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट वी, यानी कि वॉल्यूम कांस्टेंट होता है
तो इसी को आगे चलकर ध्यान रखेंगे DE, अभी हम आगे आपको प्रूफ भी करेंगे इसको, डेल ई अपॉन में डेल टी विथ कॉन्स्टेंट भी, इसी को आगे चलकर हम लोग कहते हैं सी भी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहां देखेंगे डेल ई अपॉन में डेल टी अप, जो कॉन्स्टेंट वॉल्यूम होता है इसको हम लोग सी भी के नाम से जानते हैं, तो डी इज इक्वल टू सी भी डी टी प्लस डेल ई अपॉन में डेल वी इंटू टी डी भी, ठीक है। तो यहां से आप याद रखेंगे कि सी भी जो होता है वह डेल ई अपॉन में डेल टी विथ कॉन्स्टेंट वी, इसको होता है हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट क्या चीज वॉल्यूम, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्लियर है। अब इसके बाद हम बात करें हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब देखिए जैसे यहां से आगे की तरफ हम बढ़ते हैं कि हमारे पास एक चीज तो मिल गया, कहा कि यदि आप नीचे लिख लीजिए कि इफ द इक्वेशन को आप याद रख लीजिए, ये इक्वेशन हमको मिल गया, देखिए इफ द वैल्यू ऑफ सी भी, इफ द वैल्यू ऑफ सी भी एंड डीई अपॉन डेल ई अपॉन डेल टी इंटू टी इज नोन देन वी कैन इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विथ टाइम टी एंड वॉल्यूम वी या टाइम टी एंड वॉल्यूम वी, ठीक है। अब देखो एक इक्वेशन तो हम लोग को मिल गया, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये सारे के सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं, ये सारे के सारे इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं। ये जितने प्रोसेस होते हैं ये सारे के सारे प्रोसेस इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स पर डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। चलिए अब नीचे लिखिए, अब यहां पे तुम लोग पढ़ लिए कि वेरिएशन ऑफ इंटरनल एनर्जी विथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, अगर यही चीज हो आगे हम पढ़ें, ये पहला हो गया, सेकंड है कि वेरिएशन ऑफ इंथैल्पी विथ टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखो जहां पर वॉल्यूम आएगा वो इंटरनल एनर्जी के रिलेशनशिप को बताता है, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, और जहां पर प्रेशर आता है वो इंथैल्पी को रिप्रेजेंट करता है। जिस तरह से यहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी एज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, तो यहां पर लिखेंगे कि द एंथैल्पी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्या होता है टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो यहां से क्या मिलेगा dH, ध्यान रखेंगे चेंज इन एंथैल्पी, तो dH इज इक्वल टू क्या होगा, ध्यान रखेंगे अब जैसे हमारे पास जो इक्वेशन हम लिखते हैं, एक मिनट, जो टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो डेट इज एच इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब जो टेम्परेचर एंड प्रेशर मिला तो यहां से डी एच इज इक्वल टू क्या आएगा, डेल एच अपॉन में क्या चीज, एक बार टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी, और यहां पे क्या डी टी, और डेल एच अपॉन में डेल क्या, यहां पे टेम्परेचर, अब यहां पे किसके रेस्पेक्ट में डेल पी विथ रेस्पेक्ट टू टी, और ये क्या मिला डीपी, ठीक है।
अब जो डेल एच अपॉन में डेल टी विथ रेस्पेक्ट टू पी डिफरेंशियल इक्वेशन टी, आपको बता दें कि डेल एच अपॉन में डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी डी एच सॉरी डी टी, इसी को आगे चलकर हम लोग सीपी के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? सीपी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो हमारे पास हीट कैपेसिटी मिला, सीपी इज इक्वल टू जो होता है इसे कहते हैं लोग हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर। क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो यहां से इक्वेशन क्या निकल कर आएगा? dH इज इक्वल टू CP, ध्यान रखेंगे CP dT और प्लस डेल एच अपॉन में डेल पी इंटू टी डी पी। ये हमारे पास एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन निकल कर आता है, ठीक है। तो जो हमारे पास एक तरह से CP निकला, उससे से हमारे पास CV निकला। तो CV जो है डेल डेल ई अपॉन टी इंटू वी, CV को हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और CP को क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम एंड हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये हमारे पास रिलेशनशिप निकल कर आता है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, सीपी और सीबी। तो आप नीचे लिख लीजिए, वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी, वी कैन कैलकुलेट द चेंज इन एंथैल्पी एट द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। चलिए इसके बाद अब हम लोग इसके अगले कंसेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसका अगला जो कंसेप्ट है हम लोग के पास, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट कंसेप्ट है, थोड़ा सा उसको समझने की आप कोशिश करिएगा। अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो हमें उम्मीद है कि अब देखिए सही है। अखिलेश साहब बताओ सही है? तो यहां अगर मोलर कैपेसिटी की बात करें तो मोलर कैपेसिटी में होता क्या है कि कहा कि किसी भी सिस्टम को जितना भी एनर्जी हम स्टोर होता है, ध्यान रखेंगे किसी भी सिस्टम द्वारा जितना एनर्जी स्टोर होता है वह उसका मोलर कैपेसिटी कहलाता है। मान लीजिए कि हमारे पास एक सिस्टम है जिसके पास कुछ मात्रा में एनर्जी जो है स्टोर किया गया है, उसका एनर्जी को आप क्यू मान लो, हीट सप्लाई अगर क्यू करते हैं तो उसमें एनर्जी थोड़ी सी मात्रा में स्टोर की जाती है, ठीक है। तो कहे कि अगर किसी भी सिस्टम है, अगर सिस्टम के पास अपना कुछ एनर्जी है, तो हमने कहा कि सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो होती है वह टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ाएंगे उनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं, जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं, वो धीरे धीरे ब्रेक करना शुरू करता है। और जैसे जैसे टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाते हैं वैसे वैसे फोर्स जो होता है वो बढ़ना, मतलब उनके बीच में ब्रेक डाउन होना शुरू होता है और पार्टिकल्स की क्या कहते हैं मोशन होना शुरू हो जाता है। और जितना अधिक मूवमेंट होता है पार्टिकल्स की मूवमेंट, यानी उसी को हम लोग कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। तो पार्टिकल जितना टेम्परेचर बढ़ाएंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी उतना ही क्या होगी, बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो याद रखेंगे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मॉलिक्यूल्स या द सिस्टम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू जितना ज्यादा करेंगे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उतना ही क्या करेगा, बढ़ेगा, ठीक है। अब समझिए, तो कहा कि काइनेटिक एनर्जी जो है पार्टिकल्स का इंक्रीज करेगा। तो अगर नीचे लिखिए कि इफ क्यू कैलोरी ऑफ अ हीट, इफ
क्यू कैलोरी ऑफ हीट, इफ क्यू कैलोरीज ऑफ हीट एब्जॉर्ब बाय मास एम, एब्जॉर्ब्ड बाय मास एम एंड टेम्परेचर फ्रॉम टी वन टू टी टू, द हीट कैपेसिटी टेम्परेचर टी टू, द हीट कैपेसिटी सी सी ऑफ द सिस्टम। तो अब यहां से अब आपको इनके अगर मान लीजिए कि कोई सिस्टम है उसको अगर हम कितना एनर्जी दे रहे हैं, क्यू एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है, और टेम्परेचर कितना परिवर्तन कर रहे हैं, टी टू टी वन से टी टू टेम्परेचर का परिवर्तन कर रहे हैं, तो यहां से सी इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम मोलर एम क्या होता है टी टू माइनस टी वन, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो टी टू माइनस टी वन है, ठीक, ये एम क्या है, सी क्या है, हीट कैपेसिटी है, सी क्या है हीट कैपेसिटी, क्यू क्या है आपका एनर्जी है या हीट जो हम लोग हीट सिस्टम को दे रहे हैं, और एम क्या है पार्टिकल्स का नंबर ऑफ मोल्स है, टेम्परेचर टी टू माइनस टी वन क्या है, टी वन इनिशियल टेम्परेचर है और टी टू क्या है फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है। अब यहां के बाद आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए कि जो भी हमारे पास सिस्टम है, ध्यान रखें कि सिस्टम की जो टेम्परेचर होगा वह या तो कैल्विन में बढ़ेगा और नहीं तो सेल्सियस में बढ़ेगा, ठीक है, या तो कैल्विन में बढ़ेगा या तो सेल्सियस में बढ़ेगा, ठीक है। आपको पता है ना कि 2 डिग्री सेल्सियस में अगर 273 जोड़ देते हैं तो वह डाटा कैल्विन में आ जाता है, ठीक है, यहां पर फारेनहाइट को लेकर नहीं चलते हैं। आपको रिलेशनशिप अगर याद होगा तो सी बाई फाइव एफ माइनस 32 अपॉन में 9, ये होता है सेल्सियस और फारेनहाइट में रिलेशनशिप और ये होता है सेल्सियस और कैल्विन में रिलेशनशिप, ठीक है। अब यहां से अगर मान लीजिए कि इफ नंबर ऑफ मोल जो है वह कितना हो, एक मोल हो, ठीक है, तो जो नंबर ऑफ मोल अगर एक हो तो क्या हो जाएगा, सी इज इक्वल टू क्यू टी टू माइनस टी वन, या इसी पर सकते हम लोग Q अपॉन में डेल T, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन में डेल T, ये होता है रिलेशनशिप, ठीक है, जहां पर C जो होता है, ध्यान रखेंगे C जो है वो मोलर हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, C इज इक्वल मोलर हीट कैपेसिटी, C किसको रिप्रेजेंट करता है, मोलर हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब अगर यूनिट की बात करते हैं, एक नीचे लिखो द मोल, अब डिफिनेशन लिख लो मोलर हीट कैपेसिटी का, डिफिनेशन क्या होता है लिखो, अ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम, अ मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम इज डिफाइंड, इज डिफाइंड एट द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू, amount of heat required to rise the temperature of one mole of the substance of the substance, या आप लिख सकते हैं of the system by one Kelvin, by one Kelvin, तो कहा कि अगर किसी भी सिस्टम को एक मोल, जो भी सिस्टम है अगर एक मोल मान उसका अगर एक Kelvin टेम्परेचर बढ़ाने में जितनी एनर्जी या जितनी हीट यूज की जाती है वही उसका मोलर हीट कैपेसिटी कहलाता है, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात कर लें तो यूनिट क्या होता है मोलर हीट कैपेसिटी का, तो यहां पे देखो ऊपर जो है आपका मोलर हीट कैपेसिटी की अगर यूनिट की बात करोगे तो यहां पर क्या है क्यू है, यहां पर क्या है मोल है और यहां पर है टेम्परेचर, ठीक है। तो क्यू को जो हमारे पास है उसको हम लोग क्या करते हैं कैलोरी में मेजर करते हैं,
को कैसे मेजर करते हैं? जूल में हमारे पास है, तो कैलोरी में मेजर करो या तो जूल में मेजर करो, ठीक है। तो यहां पर क्यू को मेजर करते हैं या तो जूल में या तो कैलोरी में, ठीक है। एक चीज और, इससे पहले भी एक और इक्वेशन सी इक्वल टू डी सी क्यू अपन डी टी, छोड़ दो यहां पर, ठीक है। इसको अगर हम डिफरेंशियल फॉर्म में अगर लिखें तो डिफरेंशियल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, सी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। ये बाद में काम आएगा, ध्यान रखेंगे। डी क्यू अपॉन डी टी ये जो है इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है, ये बाद में काम आने वाला इक्वेशन है, इसलिए हम इसको बता दिए, ठीक है। अब इसके बाद यहां से अगर हम आगे की तरफ अगर यूनिट की बात करें तो क्या है यहां पर, ये सी है कि हीट है, इसको एनर्जी हम लोग किस में लिख सकते हैं, या तो कैलोरी में लिखते हैं या तो हम लोग जूल में लिखते हैं। डाटा किसी या तो कैलोरी में लिखी या तो जूल में लिखी है, तो अगर कैलोरी में अगर हम लिखें तो क्या होगा, कैलोरी अपॉन में क्या मोलर हीट है तो मोल, और टेम्परेचर को किस में, कैल्विन में, तो इसको लिख सकते हैं कैलोरी मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स। यह है हीट कैपेसिटी की यूनिट, कैलोरी मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, ठीक है। या इसी को अगर आपको लिखना जूल में लिखना हो तो कैसे लिखोगे, तो जूल में लिखना हो तो जूल मोल इनवर्स कैल्विन इनवर्स, ठीक है। तो आप दोनों यूनिट को यूज कर सकते हैं, आप इसी को किलो जूल में भी ले जा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो याद रखेंगे जो हीट कैपेसिटी होता है, ये हीट कैपेसिटी क्या होता है कि किसी भी सिस्टम में अगर एक मोल सबस्टांस का एक केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने में जितना हीट एब्जॉर्ब होता है या हीट की रिक्वायरमेंट होती है, स्टोर होता है, उससे हम लोग कहते हैं हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी जो है इसकी यूनिट क्या होती है, कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये हीट कैपेसिटी जो है जनरली दो तरह के होते हैं, हीट कैपेसिटी मेनली जो है वह दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। टाइप नंबर एक एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो लिखिए टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी, टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी। तो टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी में पहला लिखिए एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और दूसरा एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर। दो तरह के होते हैं, एक जब कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हो और दूसरा कब हो, एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी दो तरह के, एक एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर। अब देखिए अगर हम पहली बात करें कि मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मो डायनेमिक्स, क्या है फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स, कहता है ना कि डी क्यू जो है चेंज इन हीट होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी ई, और इसमें चेंज इन क्या पी डब्ल्यू होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू, और डब्ल्यू जो होता है वो पी डेल वी के बराबर होता है। तो इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू इज इक्वल टू डी ई और प्लस पी डेल वी, इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि इस एक क्वेश्चन हम लोग पहले से भी प्रूफ कर चुके हैं, ठीक है। अगर इसको टाइम के साथ हम अगर डिफ्रेंशिएट करें तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, डी क्यू अपॉन में डी टी, या दोनों, तो यहां से क्या हो जाएगा डी ई प्लस पी डेल वी अपॉन में डी टी, या आप इसको क्या कर दो टाइम यहां पर, तो इक्वेशन को अगर आप देखोगे तो क्या निकल कर आएगा, यदि मान लो चेंज इन वॉल्यूम जो है, ध्यान रखेंगे जो चेंज इन वॉल्यूम है, सॉरी पी डी वी, हम डिफरेंशिएट करते हैं वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में, क्योंकि यहां हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर है, तो यहां पर क्या हो जाएगा डी वी, यदि इफ डी वी इज इक्वल टू जीरो, जब अगर डी वी इज इक्वल टू जीरो आएगा तो जरा बताइए क्या मिलेगा, डी क्यू अपॉन में डी टी,
इज इक्वल टू क्या आएगा, डी ई अपॉन में डी टी, ठीक है, डी ई अपॉन में डी टी का एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। अब यहां से इसी को डी क्यू अपॉन में, आपको हम पहले भी कहे थे कि सी इज इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन में डी टी, ठीक है। तो C इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी, तो इसको सकते हैं हम लोग C इज इक्वल टू डी ई अपॉन में डी टी इंटू वी, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो इसीलिए इसको हम लोग यही देख सकते हैं कि C भी इज इक्वल टू डी ई अपॉन में डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इसको हम लोग कहते हैं सी भी क्या है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। आई बात समझ में, ये है आपका हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, सी भी इज इक्वल टू डी ई अपॉन डी टी इंटू वी। तो नीचे लिख लीजिए कि द मोलर हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, द मोलर हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड, द मोलर हीट कैपेसिटी, द मोलर हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज डिफाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विथ रेस्पेक्ट टू या विथ टेम्परेचर एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, एट अ कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। ये है आपका सीवी वाला। अब इसी का सेकेंड फॉर्म दूसरा क्या है, एट अ कॉन्स्टेंट या मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब जब मोलर हीट कैपेसिटी एट अ कांस्टेंट प्रेशर होगा तो क्या अंतर होगा, जो यहां पर PdV हम लोग सीखे थे, अब यहां से C जो हीट कैपेसिटी हम लोग निकाल कर आएंगे, ठीक है। अगर हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड में लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको अलग अलग कर, चूंकि डी क्यू अपॉन डी टी जो है, यानी क्या है यहाँ पर डी क्यू अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या है, डी ई अपॉन में डी टी और प्लस पी डी वी अपॉन में डी टी, इसको अलग अलग लिख सकते हैं। आपको पता है कि एंथैल्पी जो है, वी नो डैट एच जो है, एंथैल्पी जो है वह एनर्जी और प्लस पी इंटू क्या, प्रेशर इंटू वॉल्यूम होता है। ये एंथैल्पी के इक्वेशन हम लोग पहले से प्रूव कर चुके हैं। अगर इसको हम टाइम के साथ अगर डिफरेंशिएट करें तो क्या लिख सकते हैं, डी एच अपॉन में डी टी, ध्यान रखेंगे डी एच अपॉन में डी टी विथ रेस्पेक्ट टू क्या, पी एट प्रेशर को, ध्यान रखेंगे डिफरेंस इक्वेशन को हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं टेम्परेचर, लिख देते हैं इसको, कितना इक्वेशन ले लें, थर्ड ले लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन थ्री विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। अब इसको हम कॉन्स्टेंट प्रेशर पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे यहां से हम लोग, डी एच अपॉन में डी टी विथ कॉन्स्टेंट प्रेशर डी ई अपॉन में डी टी एट ए कॉन्स्टेंट क्या, प्रेशर और डी, ध्यान रखेंगे क्या है, प्रेशर तो कॉन्स्टेंट है तो डी वी अपॉन में डी टी यहां पर क्या है आपका, एट ए प्रेशर कॉन्स्टेंट, ठीक है। अब चलो इसके बाद हम लोग क्या करें, यहां तक तो हमको एक इक्वेशन मिल गया। अब जो हमारे पास इक्वेशन एक मिला, यहां पे एक काम करते हैं, इसको इक्वेशन हम लोग तीन मानते हैं, इसको हम लोग चार मानते हैं और इक्वेशन चार को डिफरेंशिएट करते हैं। अब इक्वेशन तीन और चार को कंपेयर करो, कुछ आपको मिलेगा,
इक्वेशन तीन और चार को कंपेयर करने से कुछ ना कुछ तो हम लोगों को मिल जाएगा आसानी से, ठीक है। और देख के बताओ कि हमें क्या मिल रहा है। इक्वेशन थ्री और फोर को देखो और इसको इक्वेशन तीन और पांच को देखो और उसके बाद देख के बताओ हमें मिल क्या रहा है। अगर आप देखेंगे कि अगर हीट कैपेसिटी एट ए कॉन्स्टेंट प्रेशर है तो dV अपॉन dT, एक इक्वेशन तो हमको ये कॉन्स्टेंट प्रेशर के साथ ये मिल रहा है, ठीक है, और कॉन्स्टेंट प्रेशर के साथ ये मिल गया हमको, तो ये dQ अपॉन dT जो है ये हमारे पास क्या है, एज ए प्रेशर के रूप में मिल गया, तो ये dH अपॉन dT चेंज इन एंथैल्पी विथ रेस्पेक्ट टू दिस हो गया, ठीक है। अब ये क्या है आपका dQ अपॉन dT इक्वल टू dE अपॉन dT p dV अपॉन dT। जरा गौर से देखिए, अगर अगर आपको कुछ दिख रहा होगा तो क्या मिला, ठीक है। यहां से अगर आप देखेंगे तो चिकी आप ये जो वैल्यू है ये पूरी की पूरी वैल्यू जो है ये यहां से ये वैल्यू आपस में क्या कर जाएंगे कैंसिल, ये dE अपॉन dT अगर इस इक्वेशन को विथ रेस्पेक्ट टू प्रेशर अगर लिखें तो क्या हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं एट टेम्परेचर एट द कॉन्स्टेंट प्रेशर। आप अगर जरा गौर से देखिए ये सारी चीजें जो है वो dQ अपॉन dT के बराबर हो रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि dH अपॉन dT इंटू p इज इक्वल टू क्या dQ अपॉन में dT, सॉरी dQ या dQ अपॉन में dT विथ रेस्पेक्ट टू क्या p। और आपको पता है कि ये जो dQ अपॉन dT जो है वो c कहलाता है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहां से dH अपॉन में dT विथ रेस्पेक्ट टू क्या p इज इक्वल टू dQ अपॉन dT को कर सकते हैं c और ये क्या आपका p, तो यहां से cp इज इक्वल टू आता है dH अपॉन dT विथ रेस्पेक्ट टू p, ठीक है। यही अंतर है थर्ड ईयर ग्रेजुएशन में और 11th 12th में हम कहीं पर भी ये नहीं पढ़ते कि सीपी कैसे निकलता है सीवी कैसे निकलता है, पर यहां पर हम लोग सीपी भी निकालना सीखते हैं और सीवी भी निकालना सीखते हैं, ठीक है। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर एट ए कॉन्स्टेंट वॉल्यूम इज कॉल्ड कहते हैं मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या कहेंगे चेंज इन एंथैल्पी of the system with temperature at a constant pressure, ठीक है। तो ये निकलता है CP, तो लिख लीजिए the molar heat capacity at a constant pressure is the rate of change of enthalpy with temperature at a constant pressure at a constant pressure, ठीक है। चलिए अब यहां से हम सीपी मिल गया और सीवी मिल गया, तो हम लोगों को क्या क्या मिल गया, सीपी सीवी तो हम लोग को मिल गया, तो अब हम लोग एक काम करते हैं दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैलकुलेट कर लेते हैं कि क्या रिलेशनशिप होता है सीपी और सीवी में। डालिए रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीवी, ठीक है, सीपी और सीवी में क्या रिलेशनशिप होता है। अब जरा समझिए, आपको पता है कि CP इज इक्वल टू क्या है dH अपॉन में dT, हम लोग अभी निकाले हैं, और CV इज इक्वल टू क्या है dE अपॉन में dT, इसको हम लोग पहले से निकाल कर रखे हुए हैं, इसे इक्वेशन ऑफ फर्स्ट मान लो और इसे इक्वेशन ऑफ सेकंड मान लो। अगर आइडियल गैस होता, आइडियल गैस इक्वेशन के लिए क्या लिखते हम लोग, अगर आइडियल गैस होता तो उसके लिए हम लोग अगर एंथैल्पी लिखेंगे H इज इक्वल टू आइडियल गैस फॉर वन मोल, ठीक है, वन मोल के लिए, क्योंकि जनरल अगर इक्वेशन होता है, अगर हम जनरल आइडियल गैस लिखते हैं अगर एंथैल्पी के चेंज में, तो क्या होता है H इज इक्वल टू E प्लस पी भी, एन होता नंबर ऑफ मोल, ठीक है, लेकिन N यहां से हट गया, क्यों, तब अब यहां से चूंकि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है कि
कि पी भी, अब आपको पढ़ते हो कि पी भी इज इक्वल टू क्या होता है, एनआरटी। पी भी इज इक्वल टू एनआरटी, एन का वैल्यू कितना है, वन मोल है। तो क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन होता है पी भी इज इक्वल टू क्या, एनआरटी। एन की वैल्यू कितना है, वन मोल है, तो क्या लिखोगे यहां से, पी भी इज इक्वल टू आरटी। इसे इक्वेशन नंबर थ्री मानो, इसे इक्वेशन नंबर फोर मानो, ठीक है। अब आप बताओ पीवी की वैल्यू कितना है, आरटी यहां पर रख दोगे तो लिखेंगे ना कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ पीवी इन इक्वेशन नंबर, इक्वेशन थ्री में रखोगे तो एच इज इक्वल टू ई प्लस आरटी, लिख सकते हैं एच इज इक्वल टू ई प्लस क्या, आरटी। पीवी के जगह पर उठा के डाल दिए क्या चीज, आरटी। जब इक्वेशन को हम अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन, इक्वेशन नंबर पांच ले लो इसे, डिफरेंशिएटिंग द इक्वेशन फाइव विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर टी। अब टेम्परेचर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या लिखेंगे इसको हम लोग, डी एच अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी ई अपॉन में डी टी और प्लस डी आर, और ये क्या है टी अपॉन में क्या चीज है डी टी डी। अब जैसे ही इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो जरा बताना, टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो ये आपका डी टी अपॉन में, जब ये टेम्परेचर को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होता है, आपको पता है ना कि टेम्परेचर जो है यहाँ पे टी है, आपको बताए थे कि अगर टी के पावर एक्स है, ठीक है, तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद x इंटू टी एक्स माइनस वन आ जाता है। तो यहाँ पे t के पावर कितना है, वन है, तो कितना लिखेंगे, वन इंटू टी वन माइनस वन, तो t के पावर जीरो इक्वल टू कितना, t के पावर जीरो इक्वल टू कितना, वन। तो t का डिफरेंशिएशन इक्वेशन कितना होगा, वन होगा। तो यहां से क्या लिख सकते हैं हम लोग कि डी एच अपॉन में, या इसको हम ऊपर लिख देते हैं कि डी एच अपॉन में डी टी इज इक्वल टू क्या है, डी ई अपॉन में डी टी और प्लस आर, और कितना हो जाएगा टी का, यहाँ पर टी का डिफरेंशियल इक्वेशन कितना होगा, वन। टी के पावर कितना है, यहाँ पर वन है, तो वन का डिफरेंशियल यहाँ पर वन आएगा। तो यहां से आ गया डी एच अपॉन में डी टी इज इक्वल टू डी ई अपॉन में डी टी और प्लस में कितना आर। अब जरा समझना, डी एच अपॉन में डी टी क्या है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सीपी। तो सीपी इज इक्वल टू सी वी प्लस आर, तो सीपी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ये इक्वेशन होता है, सीपी माइनस सी वी इज इक्वल टू आर, ठीक है। अब आर की वैल्यू डिपेंड करता है कि हमारे क्वेश्चन में किस रूप में दिया गया है, ठीक है। अगर वो कैलोरी में दिया है, ध्यान रखेंगे आर की वैल्यू अगर कैलोरी में है तो इसको क्या लिखेंगे, सीपी माइनस सी वी इज इक्वल टू 1.987 कैलोरी, कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, या सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर की वैल्यू अगर किसमें जूल में हो तो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। ये है आपका सीपी और सीवी में रिलेशनशिप, आई बात समझ में। अब देखो जो सीपी सीवी में रिलेशनशिप हम लोग को मिल गया, अब आपको बताएं इसके बाद की जो क्लास है, इस क्लास में अब को जो दो तीन क्लास आगे के हैं वो क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासों में से एक होंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर हम लोग को अब रिलेशनशिप पढ़ना है, कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, जैसे जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट, आए दिन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये जूल थॉमसन एक्सपेरिमेंट में कई सारे किस तरह से पार्शियल प्रेशर की वैल्यू चेंज करते हैं तो उसमें किस तरह से परिवर्तन होता है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। तो जूल थॉमस एक्सपेरिमेंट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है हमारे सिलेबस में, ठीक है। तो जो हम कल की क्लास होगी, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम लोग शुरुआत ही करेंगे एक्सपेरिमेंट से, जिसका पहला तो एक्सपेरिमेंट हम लोग पढ़ेंगे जूल एक्सपेरिमेंट। जूल लॉ क्या है, जूल लॉ को हम लोग सीखेंगे कि अगर कोई, मान लीजिए कि अगर कोई कंटेनर है उसमें कोई लिक्विड डाल देते हैं, लिक्विड डालने के बाद उसको स्ट्रिप डालकर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, बढ़ाने में क्या परिवर्तन होगा। फिर उसके बाद उसमें थॉमस साहब के जूल
थॉमस जब आए उसने क्या इंटरचेंज किया और फिर उसके पिस्टन को घटाने बढ़ाने के बाद उसमें प्रेशर में क्या इफेक्ट पड़ता है, हम इसे अगले क्लास में सीखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की सेवा यहीं समाप्त होती है, फिर हम मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू सो मच।